हेलो जी, दिस इज़ ऑफिशियली माय फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब। शुरू करने से पहले दो चीज़ें बता दूँ। मेरे मोहल्ले में एक इस घर में मुर्गे रहते हैं जो साले 500 वक्त का दान देते हैं, सही है। और इस घर में पिंजरे में 3 बकरे हैं हमारे पास, तो जो ओकेजनली माई माई करते हैं, सही है भाई। लंबी नहीं करेंगे, मुद्दे पर आएंगे। ये एपिसोड 10 क्यों है? क्योंकि इसके 9 एपिसोड एक्सपेरिमेंटल थे जो फेसबुक पे डल चुके हैं, अब वो प्राइवेट है, आप देख नहीं सकते। इसमें भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। एक्सपेरिमेंटल वाइज इसलिए था क्योंकि बस वो फेसबुक पे थे तो मैंने उनको एक्सपेरिमेंटल बोल दिया। यूट्यूब पे मैं क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि जब मैं यूट्यूब पर आने का सोचता था, मैं किसी अच्छे यूट्यूबर की वीडियो देख लेता था और मैं पाकिस्तानी हूँ, तो मैं उससे इंस्पायर होने के बजाय डिप्रेस होता था, जलन होती थी, क्यों कामयाब हो रहा है ये। इसमें से कोई वजह नहीं थी, वजह ये थी कि मेरे पास माइक नहीं है। बहुत बेसिक वजह थी, बताते हुए अच्छी नहीं लग रही थी और माइक पता नहीं मेरा क्या है, मैं ले नहीं पा रहा माइक, जिसकी वजह से सारे पंखे बंद होते हैं और आपको थोड़ा बहुत पसीना झेलना पड़ेगा, क्या करें। और एक और जावेद मंसूर के ओरिजिन्स कहते हो, जावेद मंसूर के ओरिजिन्स ऐसे हुए कि मैंने एक वीडियो बनाई, दो वीडियो बनाई, तीन वीडियो बनाई लॉकडाउन में, एवे रैंडम सी ना, नॉट इम्पॉर्टेंट, बोरियत में। चौथी वीडियो भी सेम बोरियत में बनी थी, बस उसमें कुछ इसका मकसद नहीं था, बस चाय पी रहा था और बैठ के कम्युनिकेट कर रहा था कैमरे के साथ, क्योंकि चाय पीते हुए दोस्तों की याद आती है, लेकिन लॉकडाउन में दोस्त नहीं थे, तो उससे मैंने कैमरे में देख के बातें करना शुरू कर दी। अब मैंने उसको अपलोड करते हुए बोला कि चाय विद मंसूर, तो मतलब हैशटैग लगा देता मैंने कहा, पर इसकी औकात सिर्फ हैशटैग की रहेगी उसमें, क्योंकि उभर उभर की आवाज़ें आ रही थी कि चाय विद मंसूर कुछ बड़ा हो सकता है भाई। दो दोस्तों ने भी बोला आपस की बात है, मजाक के अटके के, यार इसको कुछ आगे खींचा जाए। मैंने कहा खींचा तो जा सकता है, बस तब से मैंने इरादा कर लिया चाय विद मंसूर की सीरीज़। अब जो मेरी वीडियोस में जो चीज़ें नहीं मिलेंगी कभी भी, वो होंगे ड्रोन शॉट्स, ट्रैवलिंग। इनकी वैसे शायद ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि एग्जैक्टली व्लॉग नहीं है ये, थोड़ी बहुत मोना भी व्लॉग वाइब होगी मेरी वीडियोस में, क्योंकि मैं उठ के छत पे जा रहा हूँ, छत से नीचे जा रहा हूँ, ये सब होता रहेगा, पर मिलेगा इनमें से कुछ नहीं। और तीसरी चीज़ जो कभी नहीं मिलेगी वो होगी आईफोन एक्स का गिव अवे। अल्लाह की कसम मैं नहीं दूंगा, मैं जितना अमीर हो जाऊँ अभी तो औकात नहीं है, लेकिन जिस दिन अमीर हो गया, करोड़पति बन गया, आईफोन एक्स मैं दूंगा ही। दे दे मेरी शर्ट, मांग लेना शर्ट, दे दूंगा मोहब्बत में, ये सब नहीं दे सकता कि सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और गिव अवे में शामिल हो जाओ। डोप, अब चलते हैं जो चीज़ें लाजमी मिलेंगी। पहली बात, वीडियो बनाना मैंने याद शुरू की, सबसे पहले मेरी वीडियो इस कॉर्नर से बनी थी, अब हम उस कॉर्नर पर बैठते हैं। मेरी वीडियो में आपको मिलेगा मेरी चाय, मेरी सिगरेट, मेरा लाइटर ऑफ कोर्स, और मेरे ब्रेसलेट्स। ये 3 चीज़ें आपको लाजमी मिलेंगी और मेरी शक्ल, हाँ वो चीज़ें मिलेंगी, एक मेरा मुंह मिलेगा और कुछ कॉन्वर्सेशन मिलेगी, नथिंग फैंसी, क्योंकि सिर्फ ये कुछ बातें करते रहेंगे हम लोग और ये हाँ, तो कन्वर्सेशन होंगी, मिल बांट के जज करेंगे दूसरों को, आप मुझे करना मैं आपको करूँगा, ये तो चलेगा, तुम मुझे करोगे मैं तुम्हें करूँगा, ये तो रहता है, तो वो है फीचर, है स्पेशल फीचर है इस वीडियो का, बाकी बस। और हाँ यार, 3 फ्रेम होते हैं मेरी वीडियो के, इंट्रो और फिर बीच का और पोस्ट क्रेडिट सीन जिसे कहते हैं, ये सब ना तुम्हें ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि मैं पोस्ट क्रेडिट सीन डालता तो हूँ पर क्रेडिट सीन डालता, मेरी दिमाग में डायरेक्शन पूरी होती है पर मुझे एडिटिंग नहीं आती, तो इसलिए थोड़ा कोऑपरेट करना और खुद देख लेना कौन सी इंट्रो है, कौन सा पोस्ट क्रेडिट सीन है। ओके जी, टाटा। यार ईमान से मेरे पास आईफोन एस ऑरिजिन डॉट को छोड़ दो, आई एम एन आईफोन यूज़र ब्रो। ये दिस इज पोस्ट क्रेडिट सीन, एक चीज़ दिखाई नहीं थी, ये तो देख लो, नहीं देखा मुझे, ये तो देख लो, अरे और क्या चाह रहे हो, और